नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने जा रही है उस पुराने वाले अंदाज में जिसमें मैं पहले वीडियो बनाया करता था, रेलवे की टेक्निकल जानकारी दिया करता था। आज मैं बताने जा रहा हूँ पेंटोग्राफ के एक ऐसे पार्ट के बारे में जिसकी बातें आपको बहुत ही कम सुनने को मिलेंगी और गूगल पे भी कम जानकारी मिलेगी। अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए भी एक काम है, आप हमारी हेल्प कर सकते हैं एक चीज़ जानने में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप रेलवे में सफ़र करते रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको रेलवे के कुछ ऐसे काम देखने को मिलते रहते होंगे जिनको देख के आपके मन में क्वेश्चन जरूर उठता होगा, आखिर ऐसा क्यों होता है। चाहे वो OHE के कंपोनेंट को देखकर आपको लगता हो, पेंटोग्राफ को देख के लगता हो, या फिर लोकोमोटिव और ट्रेन के अंदर कुछ ऐसी चीज देखकर लगता हो जो आपको नहीं पता है और आपको क्यूरियोसिटी है कि उसके अंदर होता क्या है। तो ऐसी ही जानकारी मैं आपके लिए पहले लाया करता था, फिर धीरे धीरे उन वीडियो में कमी आने लगी। अब मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की वीडियो दोबारा आए। आप लोग अपने क्वेश्चन जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में, आपके मन में कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मेरे मन में उठा जब गतिमान एक्सप्रेस से मैं सफ़र कर रहा था, और उसके बाद गतिमान एक्सप्रेस जब अपने डेस्टिनेशन झांसी पहुंची, वहां पर उसको शंटिंग में लगाया जा रहा था। WAP-5 लोकोमोटिव जो कि स्पेशली गतिमान एक्सप्रेस में लगता है, उसने शंटिंग के लिए गतिमान एक्सप्रेस को लगा दिया। जब वो लगा दिया गया, उसके बाद उसके ऊपर कुछ लोग चढ़े और लोकोमोटिव के ऊपर की कंपोनेंट्स को चेक करने लगे। कुछ शेड्यूल मेंटेनेंस वगैरह का वहाँ पे काम चल रहा था। अचानक से मेरी नज़र गई, मैं पूरी तरीके से कैप्चर तो नहीं कर पाया। फिर मैंने देखा पेंटोग्राफ के दोनों तरफ रेड कलर का पेंट किया जा रहा है, नया नया बिल्कुल। और फिर मेरे मन में क्वेश्चन उठा, इस पेंट का काम क्या है। मुझे मालूम नहीं था, बाकी अभी भी इतना अच्छे से मालूम तो नहीं पड़ पाया है, लेकिन मैंने कुछ अंदाज़ा लगाया है और आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। इस पेंटोग्राफ के भाग को दोस्तों कहते हैं पेंटो हॉर्न, और पेंटो हॉर्न का जो काम है वो बहुत ही दिलचस्प है। इसका काम है दोस्तों, जब भी कोई ट्रेन चल रही होती है तो पेंटो पेन जो कि पेंटोग्राफ का सामने का हिस्सा होता है फ्रंट का, उसमें लगी होती है मेटलिक कार्बन स्ट्रिप। इस स्ट्रिप का काम कॉन्टैक्ट वायर के साथ बना रहना होता है। कॉन्टैक्ट वायर के अंदर 25 kV की सप्लाई वोल्टेज होती है जो कि जनरली रेलवे में यूज होती है। अभी कॉन्टैक्ट वायर के साथ लगातार बनी कैसे रहती है इतनी स्पीड पे चलते वक्त भी, तो ये प्रोसीजर अगर आपको जानना है तो मेरी वीडियोस देख सकते हैं जो कि मैंने आपको अभी थंबनेल दिखाए हैं। मैंने आपको कई बार समझाया है कि OHE के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, किस तरीके से कॉन्टैक्ट वायर होता है, ड्रॉपर वायर होता है, और साथ में लोकोमोटिव का पेंटोग्राफ किस तरीके से वर्क करता है, उसके अंदर कितने सारे कंपोनेंट होते हैं, सब मैंने समझाया हुआ है। नैरेशन थोड़ा कमजोर हो सकता है, पुरानी वीडियो है, लेकिन उसके अंदर जानकारी आज से भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अगर आप लोग चाहें तो ऐसी वीडियो और भी आ सकती है। इस करंट को पेंटोग्राफ ले करके लोकोमोटिव के अंदर फीड कर देता है, फिर बाद में कन्वर्जन का जो भी होता है वो सब कुछ अलग बात है। तो पेंटोग्राफ का जो ये पार्ट है, इसका बेसिकली मेन काम ये है कि जब भी ट्रेन मुड़ रही होती है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में स्विच कर रही होती है, तब दोस्तों सिर्फ ट्रैक ही चेंज नहीं हो रहा होता है, ऊपर जो कॉन्टैक्ट वायर है जिसमें 25 kV वोल्टेज है वो भी चेंज हो रहा होता है। तो हर ट्रैक के लिए उसके ऊपर कॉन्टैक्ट वायर अलग होता है। जब भी कॉन्टैक्ट वायर आपस में चेंज हो रहे होते हैं तो पुराना वाला हट रहा होता है, नया वाला आ रहा होता है, और ये जब तेज गति से होता है तब तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा जब आप देखेंगे सामने से। तो ऐसे में क्या होता है कि जब पिछले वाले ट्रैक का जो वायर है वो अपनी पुरानी जगह पर वापस चले जाता है इस पेंटो हॉर्न की मदद से, उसके लिए ये पूरा एक स्लोप प्रोवाइड करता है, एक एंगल प्रोवाइड करता है जिससे कि आसानी से वो निकल जाए। जो हमारी कार्बन स्ट्रिप है, जैसे ही वहाँ से ख़त्म होता है उसके बाद ये पेंटो हॉर्न पर आता है, फिर धीरे धीरे वहाँ से स्लिप होता हुआ अपनी जगह पे वापस पहुँच जाता है और ट्रेन चेंज कर देती है ट्रैक। और उसी वक्त नया वायर भी दूसरी साइड के पेंटो हॉर्न से टच होते हुए, फिसलते हुए ऊपर की तरफ चढ़ता है और उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट में आ जाता है कार्बन स्ट्रिप के। तो इस तरीके से ये भी चेंजिंग हो रही होती है जिसके बारे में हमको बहुत ही कम जानकारी है। मेन यहाँ पे मुद्दे की बात अब ये आती है दोस्तों, मेरा यहाँ पर ध्यान इसलिए गया था, ये लोग वहाँ पर पेंटोग्राफ के पेंटो हॉर्न दोनों साइड जो हिस्सा है वहाँ पर पेंट कर रहे थे रेड कलर का, नया नया पेंट। और कई सारे लोकोमोटिव के पेंटोग्राफ में आपको ये येल्लो और रेड कलर मिले होंगे इन दोनों हिस्सों में, तो ये कलर वहाँ पर क्यों किया जाता है। तो मेरा यहाँ पर रीज़न यही है जो कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस हिस्से को कार्बन स्ट्रिप से अलग दिखाना चाहते हैं रेलवे के एम्प्लॉयज, कोई इस तरीके का नॉर्म्स होते होंगे ऐसा मुझे लगता है, और इसीलिए ये कलर किया जा रहा है। मन में ये भी आया था कि ये कहीं इंसुलेटिंग मटेरियल तो नहीं, लेकिन फिर मेरे मन में ये आया ख्याल कि अगर ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता तो, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है जब वायर इस पर आकर के टच होते हुए निकलता है, तो इस तेज़ी से होते हुए फ्रिक्शन की वजह से ये कलर वैसे भी निकल जाना था, तो ये कोई इंसुलेटिंग मटेरियल मुझे लगता नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए मैंने जो आपको काम बताया था वो यही है। अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, बाकी इसका काम मुझे यही लगता है। और अगर आप लोगों को कोई नया काम लगता है कि इसका कोई काम होगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पेंटो हॉर्न की जानकारी जो कि आपको बहुत ही कम मिलेगी इंटरनेट पर भी।
तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। और अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप के पेंटोग्राफ यूज होते हैं और वहां पर इनको नाम भी अलग अलग दिए गए होते हैं। बेसिकली इसका नाम पेंटोहोनी सबसे ज्यादा देखा गया है हर जगह। तो आप लोगों को मैं किसी दिन लाइव वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से जो वायर है ऊपर चेंज होता है और पेंटोहॉर्न उसमें हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों के पास भी अगर कोई नया टॉपिक है कमेंट सेक्शन में बताना। वंदे मातरम, भारत माता की जय।